करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री की थर्ड टीपीपी के सॉल्यूशंस को। टीपीपी 1 एंड टीपीपी 2 की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज जाकर वीडियोस को देख कर आए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करना, यहाँ से भी आपको वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ साथ बाकी सारी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरजी एकेडमी। आरजी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री की थर्ड डीपीपी के सॉल्यूशंस को। डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2 के सॉल्यूशंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज जाकर वीडियोस को देख कर आए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस डीपीपी के पीडीएफ का लिंक मिलेगा आपको लेक्चर नंबर 17 के बाद, सो वहां पे जाकर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहे। बिना टाइम वेस्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजनिक एटम इज -0.125 AU। यहाँ पर यानी आपको एनर्जी बतानी है एंड आपको n की वैल्यू दे दी है 2s। अब हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला पता है क्या होता है, -13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट कर दो एंड आंसर पता लग जाएगा। अब z की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होती है एंड आपकी n की वैल्यू 2 है, तो पुट जैसे ही करोगे -0.5/4 आएगा, तो इसे डिवाइड करने के बाद आपका आंसर यही निकल कर आएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। चलिए अब सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। आपकी सेकंड स्टेटमेंट है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजनिक एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू μz²। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजनिक स्पीशीज इक्वल, मींस दे आर डीजनरेट अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंजर इक्वेशन। अब हमें पता है हाइड्रोजनिक एटम के लिए जो एनर्जी है वो हमारी क्या करती है, n पर डिपेंड करती है। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन होंगे तो n पर डिपेंड नहीं करती, 2s इज नॉट इक्वल टू 2p फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लेकिन हमारा अगर हाइड्रोजनिक एटम है उसके लिए 2s एंड 2p की एनर्जी इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली 3s, 3p, 3d एंड इनकी एनर्जीज की वैल्यू भी सेम होगी। यानी कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, आपको तीनों स्टेटमेंट जो गिवन है वो करेक्ट हो जाएंगी। सो योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बोथ द एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ 1d हार्मोनिक ऑसिलेटर वेव फंक्शन। 1d हार्मोनिक ऑसिलेटर वेव फंक्शन के लिए एवरेज वैल्यू पोजीशन एंड मोमेंटम की 0 होती है, तो यानी कि आपको ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज h²/2ω अकॉर्डिंग टू वीरियल थ्योरम द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अबव आर। अब आपको वीरियल थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बतानी है। अब ये थ्योरम एप्लीकेबल किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए, SHO के लिए एप्लीकेबल है। अब सबसे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं, ये हमें टोटल एनर्जी गिवन है। अब ये देख लेते हैं ये वैल्यू आई कैसे। यहाँ पर यही फॉर्मूले में मैंने लिख रखा है कि SHO के लिए जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एंड बट फॉर हाइड्रोजन एटम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू -1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी का फॉर्मूला SHO के लिए होता है E=N+1/2 h𝛎। अब उसने ग्राउंड स्टेट में गिवन दे रखी है यानी n=0 हो जाएगा, तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 h𝛎 हो जाएगी। जैसे ही आप इसे 2π से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो ये आपकी वैल्यू निकल कर आएगी h²/2π/4 2π। अब देखो ये जो आपका न्यू इंटू 2π है दैट इज इक्वल टू योर ओमेगा, सो योर वैल्यू बिकम्स 1/2 h²/ω। अभी आपको टोटल गिवन है एंड हमने अभी देखा था कि थ्योरम के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, तो T=V है एंड टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो T+T दैट इज इक्वल्स टू T=E/2 एंड आपको टोटल एनर्जी कितनी गिवन थी, h²/ω/2। तो यानी कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपकी T की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, h²/ω/4। इसे सही कर लेना, यहाँ पर 2 नहीं आएगा 4 आएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आएगी, 1/2 h²/ω/4। अब इसे आप चेक भी कर सकते हो, देखो h²/ω/4 प्लस h²/ω/4, तो आपकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 2h²/4 दैट इज इक्वल्स टू h²/2। यही आपको टोटल एनर्जी गिवन थी यानी आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट्स। अगेन आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
द वैल्यू ऑफ एक्स एंड पी एक्स इन केस ऑफ एस एच ओ इज जीरो. एवरेज वैल्यू है बतानी है, बिल्कुल हमने अभी देखा था एस एच ओ के लिए एवरेज वैल्यू पोजिशन की एंड मोमेंटम की जीरो होती है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है. सेकेंड है द एनर्जी गैप बिटवीन एस एच ओ इज ऑलवेज इक्वल. अब इसे एक बार निकाल कर देख लेते हैं क्या सही है या नहीं है. देखो डेल ई इज इक्वल टू ई एन प्लस वन माइनस ई एन है. अब एन प्लस वन को आप यहाँ पर पुट करो, जनरली आपका फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू एच न्यू. तो यहाँ पर n को आपने रिप्लेस कर दिया n प्लस वन से, एंड ओवरऑल जब वैल्यूज निकालोगे तो आपकी डेल e की वैल्यू निकल के आएगी हाफ एच न्यू, यानी कि हर एक के लिए आपकी वैल्यू क्या होती है सेम होती है. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी आपकी. थर्ड स्टेटमेंट आपको क्या गिवन है, थर्ड स्टेटमेंट गिवन है टू वे फंक्शंस बिलोंगिंग टू डिफरेंट एनर्जीज आर ऑर्थोगोनल. बिल्कुल टू वे फंक्शंस की अगर एनर्जीज डिफरेंट है तो यानी कि उनका वेव फंक्शन भी डिफरेंट होगा. वेव फंक्शन डिफरेंट होगा यानी कि अगर आप इंटीग्रेशन करते हो लिमिट्स के साथ साई वन इंटू साई टू देन दैट इज इक्वल टू जीरो ऑर्थोगोनल की कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. सो योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आई होप आपको समझ आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ पार्टिकल ऑफ मास 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 ग्राम इज इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ. ये आपको मास दे दिया है एंड आपको लेंथ दे दिया है 4 नैनोमीटर. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एमिटेड व्हेन दिस पार्टिकल गोज फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2 लेवल. अब आपको क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी निकाल के बतानी है जब आपका पार्टिकल है 3 से 2 में जा रहा है लेवल के अंदर. अब इसे किस तरीके से करोगे, हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8mL2. अब अपर ई अपर माइनस ई लोअर करेंगे, ई अपर के लिए हम एन को रिप्लेस कर देंगे एन प्लस वन से, एंड ई लोअर की वैल्यू के लिए वह एन स्क्वायर ही रहेगा. जब इसे ओवरऑल हम पुट करेंगे तो पुट करने के बाद हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आएगा. अब कुछ नहीं करना, n प्लस वन की वैल्यू उसने 3 दे रखी है, उसने बोला है ना कि आपका 3 से 2 में जाता है, तो यानी n प्लस वन की वैल्यू तो आपको 3 दे दी है एंड n की वैल्यू 2 दे दी है. अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे, जैसे ही पुट करते हैं तो अब आपको एक ये बात भी पता है कि डेल e की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल्स टू एच न्यू, एंड फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है. सो एच न्यू इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 8mL2 एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. यहाँ से आपका एच से एच कैंसिल हो जाएगा, आपका फॉर्मूला बनेगा ये एच अपॉन 8mL2 एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. अब हमें h की वैल्यू पता है, m की वैल्यू गिवन है, l की वैल्यू गिवन है, उन्हें पुट करेंगे एंड आंसर निकल कर आ जाएगा. तो जैसे इन वैल्यूज को आप पुट करोगे क्वेश्चन के फॉर्मूले के अंदर तो आपका आंसर निकल कर आएगा 1.29 इंटू 10 टू द पावर 12 पर सेकेंड. सो योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स ऑफ n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 1 ऑफ अ पार्टिकल इन 1D बॉक्स इज 6 यूनिट्स. आपको गिवन है, इनका एनर्जी डिफरेंस दे दिया है, डेल की वैल्यू दे दी है. इन द सेम यूनिट्स व्हाट इज द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स ऑन n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 2 फॉर द अबव सिस्टम. अब आपको बताना है कि अगर आपका जो पार्टिकल है वो 3 से 2 पे जा रहा है तो उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, आपकी यूनिट सेम रहेंगी. आप इसे किस तरीके से करोगे, थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर जो फॉर्मूला यूज किया सेम अगेन हम उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे. सो एन प्लस वन की आपको वैल्यू क्या दी है, 2 दे दी है, एन की वैल्यू 1 दी है, तो डेली की वैल्यू इज इक्वल टू 6 दे ही रखी है. जैसे ही हम पुट करेंगे 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8mL2 4 माइनस 1 यानी कि आपका 3 आ जाएगा. इसे हम कर लेते हैं इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं. अब आपको गिवन है एन इज इक्वल टू 2 और n प्लस वन की वैल्यू 3, यानी कि आपका जो अगर वो 2 से 3 में 3 से 2 में जा रहा है तब कैसे निकालेंगे एनर्जी का गैप का डिफरेंस. E इज इक्वल टू एच स्क्र अपॉन 8mL2 एन प्लस वन की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 एंड n की वैल्यू 2 हो जाएगी. तो आपकी यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी एच स्क्र अपॉन 8mL2 इंटू में 5. इसे इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं 2. अब कुछ नहीं करना, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, आपकी E की वैल्यू निकल कर आ जाएगी. जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे 6 बाय E ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 6 अपॉन E इज इक्वल टू 3 अपॉन में 5, तो 3 ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो आपकी एनर्जी की वैल्यू क्या निकल कर आई, 10. सो आपका आंसर जो होएगा करेक्ट होएगा, दैट इज योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आप इसे इतने लेंथी फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट वैल्यूज को भी पुट कर सकते हो. डायरेक्ट आप किस तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा होता है डेल इज इक्वल टू 2n प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 8mL2. आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी आंसर को निकाल सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ पार्टिकल इन 3D क्यूबिक बॉक्स ऑफ लेंथ एल हैज द एनर्जी 14h2 अपॉन 8mL2. द डीजनरेसी ऑफ द स्टेट इज, नेट में आया हुआ आपका ये क्वेश्चन.
अब 3D बॉक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, nx square plus ny square plus nz square x square upon 8ml square. यहाँ पर हमें nx square plus ny square plus nz square की वैल्यू गिवन है and that is equals to 14. अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अब देखो 14 से छोटा स्क्वायर देख लो क्या होता है, 9 होता है, 9 लेस देन होता है 14. तो अगर आप इसे 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो यानी कि एक तो वैल्यू आपकी आ गई 3. तो 9 में 5 ऐड करोगे तो आपका 14 आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. अब इसे सोल्व करके देख लो, 9 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 14. तो यानी आपके बन गए 3, 2, 1. जब इन्हें आप अरेंज करोगे तो अरेंज करने के बाद टोटल 6 आपकी डीजनरेसी निकल कर आएगी. आप इसे बनाकर देखना, यही आपका आंसर आएगा. तो यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द स्टेटमेंट्स, वेरियस थ्योरम आर एप्लीकेबल टू एटम एंड मॉलिक्यूल बोथ. बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है हमारी थ्योरम. सेकंड स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू वेरियल एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल. ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है 1D SHO के लिए, बट स्टेटमेंट में कहीं भी मेंशन नहीं है SHO, तो हम इसे रॉन्ग मानकर चलेंगे. अगर मेंशन होता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होती. थर्ड हमारे को दे रखा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन SHO द एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय काइनेटिक एनर्जी इज 0.75 h nu. इसे एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं. SHO के लिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू n प्लस 1 बाय 2 h nu होता है. तो टोटल एनर्जी में अगर हम n की वैल्यू पुट कर दें, 1 दे रखी है, तो n की वैल्यू टोटल एनर्जी की आपकी निकल कर आएगी 1.5 h nu. अब वेरियल थ्योरम के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, यानी कि हम बोलते हैं टीवी के इक्वल है. टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू टी प्लस वी. अब इक्वल है तो आप टी प्लस टी लिख सकते हैं, तो टोटल एनर्जी आपकी 2 ऑफ टी हो गई. तो यानी कि E बाई 2 आपकी होगी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू. E की वैल्यू क्या गिवन है, 1.5 है, तो यानी कि इसे 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 0.75 h nu. यही आपको स्टेटमेंट के अंदर गिवन था, यानी कि आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो ये ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर. 2 नहीं आएगा, इसे सही कर लेना, 1 आएगा. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. सी भी करेक्ट होता, अगर सी ही करेक्ट होता, या मैं बोलूं अगर यहाँ पर उसने SHO मेंशन कर रखा होता, मेंशन नहीं है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.598 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आर. सो हाइड्रोजन एटम के लिए हमें फॉर्मूला पता है वेरियल थ्योरम का क्या होता है, ये फॉर्मूले होते हैं. अब इन्हीं का यूज करके हमें क्या करना है, आंसर निकालना है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी जो गिवन है उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 13.598 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब पोटेंशियल एनर्जी 2 इंटू टोटल एनर्जी होती है, तो 2 इंटू माइनस 13.598 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू -27.196 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आपके आंसर आ गए, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एनर्जी ओ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम की आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बतानी है. एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी. पुट करो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर निकल कर आएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसे करेक्ट कर लेना, यहाँ पर आपका 9 आएगा. देखो n इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी गिवन है. ये तो हुई आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हुई आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n की वैल्यू आपकी क्या होगी, 3 होगी. इसीलिए यहाँ पर आपका n, आप 3 पुट करोगे तो 9 आएगा. आपकी टोटल एनर्जी निकल कर आएगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन सी है आपका करेक्ट हो जाएगा. आई होप आपको समझ आया होगा. इसी के साथ आपकी थर्ड DPP यहीं पर कंप्लीट होती है. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलना. एट द एंड पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली खुश रहिए. हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. और अगर चैनल के ऊपर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है. सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है. साथ में आप RJ Academy के साथ कनेक्ट हो सकते हो हमारे सोशल मीडिया चैनल के ऊपर भी. आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो. साथ में आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है. कोई भी डाउट अगर आपको है या फिर कोई भी क्वेरी आपकी है एग्जाम में किस तरीके से आपको एग्जाम्स को अच्छे से हैंडल करना है, तो आप अपने डाउट्स को वहां पर व्हाट्सएप के ऊपर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो. राइट, तो नेक्स्ट DPP देखने के लिए यहां पर क्लिक कर सकते हो, और चैनल के वीडियो देखने के लिए भी आप यहां पर क्लिक कर सकते हो. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. राइट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर.